हेलो एवरीवन, आज हम जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं ये आया है जेई मेन 2015 में। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हमसे कहा जा रहा है कि यार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो कि फर्स्ट सेल में रहता है, अगर उसे सेकेंड सेल, थर्ड सेल या किसी भी सेल में ले जाएँ तो उस स्टेट में उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, क्या पॉसिबल हो सकता है। चार ऑप्शन दिए हैं, क्या इनमें से कोई भी हो सकता है या नहीं पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन का अगर आपको एनर्जी लेवल पता करना है तो ये फॉर्मूला है अपने पास, -13.6 (Z²/N²). ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हो गया। जूल और दूसरे फॉर्मूले वो मैंने दूसरे वीडियो में बता रखे हैं। अभी हमारा, क्योंकि हमारे आंसर में हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। अब यहाँ पे अपने को पता लगाना है कि अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से सेकंड, थर्ड या किसी भी सेल में गया तो कितनी पॉसिबल एनर्जी उसके पास रहेगी उस स्टेट में। तो देखिए, अगर हम ये पता करें कि फर्स्ट सेल में ही कितनी एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन के पास, तो देखिए कितनी रहेगी। फर्स्ट सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू क्योंकि हाइड्रोजन के बाद चल रही 1 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। ठीक, तो ये एनर्जी लेवल है किसके लिए, फर्स्ट सेल के लिए। तो अपना आंसर ऐसा तो कहीं भी नहीं है माइनस में, -13.6 वाला। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, ये फर्स्ट सेल की एनर्जी है। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जब होगा तब उसका जो एनर्जी लेवल है वो मिनिमम होगा, सेकेंड सेल में जाएगा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख देंगे, इन्फिनिटी पे अगर रखेंगे तब एनर्जी लेवल हो जाता है 0। वहाँ से जब वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा तब उसकी एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब एनर्जी रिलीज करेगा उसके पास तो पहले से 0 एनर्जी थी, तो 0 से 0 में अगर आपने कुछ रिमूव, उसमें से भी कुछ बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, माइनस में वैल्यू चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है तो किसी भी सेल में होगा तो उसकी एनर्जी किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकते। अब अपने पास या तो ऑप्शन डी होगा आंसर में या होगा ए। तो देखिए, फर्स्ट सेल में तो पता चल गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। अब पता करते हैं सेकेंड सेल में कितनी है। तो देखिए, सेकेंड सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरह से 2 का स्क्वायर कर दिया और जेड की जगह तो 1 ही रहेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करते हैं तो ये रहा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.8 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थर्ड सेल में जब जाएंगे तो मैग्नेट जो इस वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो तो और भी कम हो जाएगा। मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में ये अपना आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको इसमें मेरे बताने के बाद भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।